कैसे आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है डे 4 ऑफ डेली व्लॉगिंग चैलेंज। तो सुबह सुबह मैं माधवन के लिए जा रही हूँ, तो इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो देखते हैं आज कितना शूट कर पाऊँगी मैं। तो आज मेरी एक फ्रेंड भी आने वाली है आफ्टरनून पे जम्मू से, तो उसके लिए मुझे जल्दी आना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, आई होप आप लोगों ने जो पहले जो 3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं वो आप लोगों ने पसंद किया होगा। एंड मैं होप करती हूँ कि जो मेरा एक वीक ऑफ चैलेंज डेली व्लॉगिंग का है वो मैं कम्प्लीट कर पाऊँ, चाहे वो शॉर्ट भी क्यों ना हो। तो देखते हैं आज कितना कर सकते हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ मथम के लिए जाने के लिए, तो इसीलिए तो लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं वापस पहुंच गई हूँ मातम से। आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी जम्मू से, तो वो अभी वहाँ पे पहुंच गई है, अभी हम लेने के लिए जाएंगे। अभी लंच का टाइम हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी जब वो आएगी तो हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसको वेट कर रही थी क्योंकि वो ऑटो में आ रही थी ना, उसको रूम नहीं पता कहाँ पे है, तो बस मैं उसी का ही वेट कर रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया एंड वो मैंने शूट नहीं किया था और बाहर बैठे थे ऐसे ही। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, आजकल बारिश वाला मौसम हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे हम दोनों के लिए चाय बना रही क्योंकि बाहर बैठे बैठे ना फिर इस मौसम में चाय पीने का मन करता है, तो यहाँ पे बस मैं चाय बना रही हूँ। तो भाई सभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने चाय बना लिया एंड आजकल जो कि मुझे चाय पीने का वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया ना, क्या आदत हो गया, तो इसीलिए चाय। तो अभी अभी भाई ने ये कॉर्न लेके आया, वो गर्मा गर्म अभी भी गर्म है, इसके साथ हम रस्क खाएंगे, इसके साथ हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे इलायची वाली। इलायची डाल के ना इतना ज्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम कुछ चटपटी बातें कर रहे थे क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग मिल रहे ना, इसीलिए हमारी बातें नहीं खत्म हो रही थी। और मैं तो गाइस अभी हम बैठे थे तो मतलब ये जो मेरे कजन्स है ना वो आई थी यहाँ पे मुहर्रम के लिए, मातम के लिए, तो मैंने उनको 4 बजे के लिए बुलाया, तो वो अभी आए हैं एंड अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कुछ ऐसे चाय वाय एंड ऑल। एंड यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते तो साथ में चाय पी सकते थे, बट वो लोग आ गए। फिर यहाँ पे फिर से मैं चाय बना रही हूँ इलायची वाली। तो बनाते हैं चाय जल्दी जल्दी। तो गाइस मुझे समझ नहीं आता ना, जब भी मेहमान आते हैं तो चाय अच्छी क्यों नहीं बनती, लाइक वाई? ये मेरे साथ ही होता है क्या? जब मैं कम 2-3 कप बनाती हूँ ना तब अच्छा बनता है, जब ज़्यादा अमाउंट में बनाती हूँ ना तब पानी की तरह बनता है, डोंट नो व्हाई। Hi, Zekel Susan. Hi. Hi, Chisangare. Hello. Kare, Faizekel, don't know. Chisho spin. Masiya, don't know. Kare.
हार्ट चुस्त दू यहाँ चुस्त ना हार्ट कलरफुल चीजों से मसी पड़ी नहीं ले गिफ्ट दो यू चुनो खुद नोमे में चुनो खुद नोमे में डोरेमी पिंक कलर जो मेरा तो इसके बाद हम दोनों यहाँ पे ऐसे ही टहलने के लिए आए थे। डल लेक जाना तो मस्ट है इसीलिए। एंड शाम हो गई थी थोड़ा, तो उस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड हम यहाँ पे बस मौसम और नज़ारे का एंजॉय करते हुए और उसके बाद हम वापस आ गए। यहाँ पे मैं जो वाजा का लेफ्ट ओवर था जो हम नहीं खा पाए वो फ्राई करी थी यहाँ डिनर पे खाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने चिकन बनाया था एंड पहले वाला सालन गर्म का बच गया था, वो वाला मैंने गर्म करने के लिए रखा था। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड ये था मेरा डे 5 ऑफ डेली ब्लॉगिंग चैलेंज। यहाँ तक डे 5 तो हो गया अभी, तब तक तो मैं कंप्लीट कर पाई। और जो आज का जो ये ब्लॉग है वो मैं बहुत लेट से पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुहर्रम चल रहा है तो टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।